सो गाइस अभी चाय वगैरह यहाँ से पी लिया, ये होटल था यहाँ पे और शीशा वगैरह भी साफ हो गया तो गाड़ी को थोड़ा रेस्ट भी दे दिया। चलो फिर अभी कंटिन्यू रखते हैं अपना सफर। हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल जेके बाना वाले वीर। तो गाइस जैसा कि आपको पता ही है अपना भाई आपका मुंबई के लिए मुंबई ट्रिप है, तो अभी कंटिन्यू सफर के साथ चले हुए हैं। तो फिलहाल अभी हम पहुँच गए हैं कहाँ पे, ये चेक करो गाइस, हिसार से पहले नरवाना में पहुंच गए हैं और एक ये जा रही है 4 नंबर की गाड़ी। ये चक्कर हो गई और अभी हम नरवाना में पहुंचे, हिसार रह गए यहाँ से 50 के आसपास, मान लो 50 किलोमीटर से कम ही है। तो हिसार पार करके फिर डलवाएंगे डीजल हरियाणा एंडिंग पे, क्योंकि आगे फिर बहुत महंगा डीजल मिलने वाला है हमारे को। टंकी छोटी है ना, नहीं तो एक ही भरी, दूसरी अल्ट्रा जो पुरानी वाली अल्ट्रा थी उसकी भी एक बार टंकी फुल करो तो 2200 किलोमीटर गाड़ी चल जाती है, लेकिन इसमें नहीं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1200 किलोमीटर चलती है। तो चलो फिर भी अपनी तरफ से कोशिश यही करता है बंदा, रहा दो तीन चार रुपये लीटर का फ़र्क होता है, तो 400-500 रुपया 100 लीटर में बचता है, थोड़ा थोड़ा करके ना बहुत फ़र्क पड़ता है। हम पहले सोचते थे यार नहीं पड़ता, लेकिन बहुत फ़र्क होता है, 400-500 मान लो 5 रुपए का फ़र्क है, 5 रुपए के हिसाब से 100 लीटर का 500 बन गया, चलो एक दिन का रोटी खर्चा निकल जाता है। बाकी जम्मू में तो 10 रुपए लीटर कम है, जम्मू में 83 रुपए लीटर है, 84 इधर होगा, 89 कुछ होगा, ऐसे ही 90 तक होगा, तो चलो डाल लेंगे। फिर वहाँ से आगे तो जब उधर जाएंगे गुजरात साइड मुंबई के आसपास, तो फिर उधर महंगा ही डीजल डालना पड़ेगा, चलो डाल लेंगे फिर क्या करना है। तो ज़्यादा टाइम जाया ना करते हुए अपने ब्लॉग को कंटिन्यू रखते हैं स्टार्ट, लेट अस गो। स्टैका तो अभी सोया है, तो चलो फिर चलते हैं। तो भाई लोगों चले हुए कंटिन्यू सफर के साथ, तो अभी हम पहुंच गए हैं राजगढ़ से पहले पहुंच गए हरियाणा में ही है अभी, राजस्थान की अब निशानी स्टार्ट होने वाली है। राजगढ़ से पहले क्या बोलते हैं इस जगह को, इस जगह को बोलते हैं हिसार पार करके राजगढ़ 44, मान लो हिसार ही, अभी हिसार पार किया हमने तो ये सिवानी में बाईपास में पहुंच गए। और ये चेक करो गाइस, ये चेक करो गाड़ी कितने टायर वाली होगी बताना, ये देख लो वो तेरी तेरी कम से कम इसको लग गया होगा महीना यहाँ तक पहुँचते, क्योंकि ये बहुत दूर से आ रही है गाड़ी। तो भाई लोगों अभी हम पहुंचे थे इधर राजगढ़ के पास, तो ये जो बस जा रही है ना आगे, इसमें बच्चे बाय बाय करके जा रहे थे, उनको कहीं देख रहे हैं अपने क्या पता सब्सक्राइबर ही आने, मतलब हाय हेलो हाय कर रहे थे। चलो अपना सफर कंटिन्यू है, तो ये जा रही है गाड़ियाँ, यहाँ का इलाका देख के आपको पता लग गया होगा राजस्थान में हम एंटर हो गए। गाइस अभी हमने चूरू में पहुंचे थे, तो यहाँ खाना वाना वगैरह खाया, भूख लगी थी बहुत, तो अभी चूरू से निकल पड़े हैं और इस जगह भी उठ गया। तो अभी ये कुछ इस तरह की जगह में पहुंच गई गाइस, चेक करो राजस्थान में रेत ही रेत दिखती है, मतलब वाइट सा इलाका लगता है, लद्दाख की तरह है ना। तो भाई अभी हम घूम गए इधर से सलासर रोड के लिए, सलासर बाईपास से होते हुए इधर नेचवा से सीधा डिडवाना निकलेंगे हम, उधर नहीं गए क्या बोलते हैं लाडनू, 30 किलोमीटर का फर्क है। तो भाई अभी हम पहुंच गए हैं किशनगढ़ से पहले गुजराती होटल पे,
यहाँ पे थोड़ा चाय वाय वगैरह पियेंगे, थोड़ा रेस्ट, टायर ठंडे कर लेते हैं, क्योंकि यार कंटिन्यू चले हुए हैं तो गर्मी से ना टायर भी गर्म हो गए, तो चलो यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करवा लेते हैं टायरों टायरों चो गिट्टी गुट्टी निकालते हैं। और यहाँ पे क्या सिंगल है, तो भाई गाइस अभी हम पहुंच गए हैं इधर क्या बोलते हैं किशनगढ़ से पीछे पहुंच गए हैं हम कंचमन सिटी मार्बल मार्केट में पहुंचने वाले हैं। तो इधर का व्यू चेक करो, गर्मी है बहुत ज्यादा और हमने लगाया एसी तो आराम से रेस्ट करके सो जाते हैं। चलो फिर लेट अस गो मूव। सो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं किशनगढ़ में, मार्बल मार्केट किशनगढ़। ये चेक करो इधर टाइलें, अभी यही फोर लेन्स आ जाएगा, ये पूरा मार्बल मार्केट है। तो अभी आगे हैं इस भीलवाड़े वाले हाईवे पे, क्या नाम है इस हाईवे का, अपना किशनगढ़ भीलवाड़ा रोड। तो इसमें चढ़ गए हैं, अभी आरटीओ वगैरह हमारे को एक कदम मिल सकता है, क्योंकि आरटीओ हर जगह अवेलेबल होते हैं इधर राजस्थान में, उधर ही रखो। तो भाई लोगों अभी हम नसीराबाद पहुंचने ही वाले हैं, तो रात तो ऑलमोस्ट पड़ने ही वाली है। तो ये चेक करो गाइस, यहाँ पे एक होटल हुआ करता था पंजाबी, है आज भी है नहीं, बंद हो गया। हंसते हंसते ये कार वालों का नहीं पता लगता भाई, कार वालों से बहुत डर, बच के रहना। ये देख लो बाइक वाले कितने फिर सियाने हैं थोड़े बहुत। किली करने लगे थे और ये नसीराबाद में पहुंच गए, उदयपुर अजमेर इधर से राइट, तो इधर जाने दे। आरटीओ भी खड़ा, चल 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 चल, वो खड़ा आरटीओ। सो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं नसीराबाद पार करके, क्या नाम है जगह का, नसीरा बंधनवाड़ा। तो ये रही अपनी गाड़ी, चेक करो गाइस, इश्तियाका कर रहा है, शीशे वगैरह साफ। तो हम चाय वगैरह यहाँ पीते हैं और फिर कंटिन्यू सफर के साथ चलेंगे। चलो चाय पी के फिर निकलते हैं। तो भाई अभी ये चाय पी रहे हैं हमें, चाय कैसी है, फर्स्ट चाय पी रहे हैं, इश्तियाका इस ट्रिप की फर्स्ट चाय पी रहा है, वो भी पता नहीं कैसे दिल कर दिया। बाकी वो रही गाड़ी, अभी लाइट लगने वाली है अपनी गाड़ी की, बस लाइटें यहीं से ऑन करके निकलते हैं अभी। ये डब्बा चेक करो, एक ही अन्ना गाड़ी भी लगी है इधर। सो गाइज अभी चाय वगैरह यहाँ से पी लिए, ये होटल था यहाँ पे, और शीशा वगैरह भी साफ हो गया, तो गाड़ी को थोड़ा रेस्ट भी दे दिया। चलो फिर अभी कंटिन्यू रखते हैं अपना सफर। तो गाइज देख लो, ये देखो आरटीओ ना उधर से आया एक किलोमीटर पीछे, अभी ये जा रहा है वापस। गाड़ियों के पीछे ऐसे आगे रोड के बीच में आके खड़ी कर, ऐसे अगर गाड़ी ना रुके कुछ भी हो यार, अब हादसा भी हो सकता है, जैसे गाड़ी के आगे आके टेढ़ी करके खड़ी की। चोर आरटीओ है इधर राजस्थान वाले, मतलब राजस्थान में कभी सुधर नहीं सकते ये आरटीओ। तो भाई लोगों अभी कंटिन्यू चले हुए हैं, तो हम एंटर कर गए हैं गुजरात में, गोधरा में पहुंच गए, गोधरा। यहाँ से आगे वडोदरा होके सीधा ब्रोच, वडोदरा ब्रोच सूरत अंकलेश्वर वगैरह से होते हुए जाएंगे सीधा मुंबई। तो इंशाल्लाह आज रात को हम पहुंच जाएंगे, रात को 12-1-2 बजे कोशिश पूरी है। गोधरा थोड़ा सा रास्ता खराब है इधर, बाकी
चलो कंटिन्यू सफर है। ये व्लॉग को भी यहीं पे एंड कर देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।